जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिवम स्टडी सेंटर के इस लेटेस्ट धमाकेदार मस्त वीडियो में। मेरे प्यार साथियों, हमने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सारी जानकारी दे दी है आपको। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, सही सुना आपने, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टार्ट करने से पहले हम आपको इनकी पहचान बताएंगे, अनुवाद के नियम बताएंगे, इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है इनकी पहचानों को इतने अच्छे से बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। और कोई आपसे पूछे कि बताइए व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, आप क्या कहोगे? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आप उस स्टूडेंट से कहोगे कि आई नाउ दैट व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, मैं जानता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। चलिए आपको बता दें आगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान और अनुवाद के नियम बाय शिवम स्टडी सेंटर। तो आप हमारी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। राइट, चलिए बताते हैं आपको पहचान, बताते हैं आपको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये तो बता दें पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, जानते हो या नहीं? चलिए बता देते हैं आगे। देखिए मेरे प्यार साथियों, पास्ट मिस होता है भूत, परफेक्ट मिस होता है पूर्ण, टेंस मिस होता है काल। क्या बन गया? भूतपूर्ण काल। राइट, देखिए मेरे प्यार साथियों, इतने अच्छे से आपने पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी में मतलब जान लिया है। राइट, चलिए आगे हम आपको पहचान और अनुवाद के नियम बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहचान और अनुवाद के नियम रहे ये। मेरे प्यारे साथियों, इनकी पहचान है, इस काल के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में ही किसी समय पूरा हो गया था। जी हाँ, इस काल के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में ही किसी समय पूरा हो गया था। राइट, और मेरे प्यारे साथियों, हमारा दूसरा इनका पहचान है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहचान है, इसको समझिए आप। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, गया था, किया था आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जी हाँ, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, गया था, किया था आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जी हाँ, कोई आपसे पूछे कि बताइए क्या पहचान होती है, हमें पता है क्या पहचान होती है, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, गया था, किया था आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इनको बनाओगे कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं अनुवाद के नियम, इसको हम कैसे बना सकते हैं सेंटेंसों को। राइट, चलिए मेरे प्यार साथियों, आगे देखते हैं अनुवाद के नियम के साथ। देखिए मेरे प्यार साथियों, अनुवाद के नियम रहे ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। हमारा पहला नियम रहा ये, इस काल के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए प्रत्येक कर्ता के लिए हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ मेरे लाल, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथियों, इनको आप जरूर जरूर ध्यान से समझिए। देखिए, इस काल के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए कर्ता के लिए हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। राइट, देखिए हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। राइट, और हमें प्रत्येक कर्ता के साथ, यानी चाहे हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक वचन है या बहुवचन है, हमें सबके साथ, हमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग जरूर करना है। राइट, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और मेरे प्यार साथियों, यदि आपने अभी तक हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म क्या होती हैं, तो आप जाइए एक प्लेलिस्ट में, और वहाँ एक प्लेलिस्ट होगी हाउ टू स्पीक वर्ब इन इंग्लिश बाय शिवम स्टडी सेंटर, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसको 1000 स्टूडेंट देख चुके हैं, तो आई होप आप उस वीडियो को जरूर देखोगे, प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। राइट,
चलिए स्टूडेंट और देख आगे देखते हैं हम सेंटेंस, बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस आज की वीडियो में हम बताएंगे, राइट। चलिए देखते हैं आगे सेंटेंस। मेरे प्यारे साथियों, पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा पहला सेंटेंस रहा ये, मैं खा चुका हूँ, आई हैड ईटन, मैं खा चुका हूँ, आई हैड ईटन। मैं आपसे पूछूं कि आपने इन सेंटेंस को कैसे पहचाना, आपका जवाब होगा सर पता नहीं आपने कैसे पहचान लिया। तो ये देखिए हमने आपको क्या बताया था, जिन वाक्यों के अंत में गया था, गई थी, चुका था, चुके थे आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, राइट। ये देखिए लास्ट में क्या आया है, चुका था, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। आप स्कूल जा चुके थे, यू हैड गॉन टू स्कूल, आप स्कूल जा चुके थे, यू हैड गॉन टू स्कूल। ये क्या सर, आपने आई के साथ भी हेड लगाया और सर आपने यू के साथ भी हेड लगाया, ये क्या है? तो हमने आपको क्या बताया था, ये देखिए इस काल के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए प्रत्येक कर्ता के लिए हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, राइट। चाहे हमारा कर्ता सब्जेक्ट यानी सिंगुलर या प्लुरल कुछ भी सही, प्रत्येक कर्ता के साथ हमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग जरूर करना है, राइट। चले देखते हैं दूसरे सेंटेंस के साथ। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस अनुवाद के नियम को जानने के बाद। शिवम खाना खा चुका था, शिवम हैड ईटन फूड, शिवम खाना खा चुका था, शिवम हैड ईटन फूड। कपिल टहल चुका था, कपिल हैड वॉक्ड, कपिल टहल चुका था, कपिल हैड वॉक्ड। हम क्रिकेट खेल चुके थे, वी हैड प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके थे, वी हैड प्लेड क्रिकेट। चलिए मेरे प्यार साथी और आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस बाय शिवम सर। शिवम जा चुका था, शिवम हैड गॉन, शिवम जा चुका था, शिवम हैड गॉन। आप जा चुके थे, यू हैड गॉन, आप जा चुके थे, यू हैड गॉन। ये क्या, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं हम? मेरे लाल, हम यूज़ कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, राइट। आप खेल चुके थे, यू हैड प्लेड, आप खेल चुके थे, यू हैड प्लेड। वे तैर चुके थे, दे हैड स्विम, वे तैर चुके थे, दे हैड स्विम। कमला खा चुकी थी, कमला हैड ईटन, कमला खा चुकी थी, कमला हैड ईटन। चलिए मेरे प्यारे साथियों और देखते हैं आगे पास्ट परफेक्ट टेंस बाय शिवम स्टडी सेंटर। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मैं आपको देख चुका था, आई हैड सीन यू, मैं आपको देख चुका था, आई हैड सीन यू। मोहित कूद चुका था, मोहित हैड जंप्ड, मोहित कूद चुका था, मोहित हैड जंप्ड। हम अनुभव कर चुके थे, वी हैव फेल्ट, हम अनुभव कर चुके थे, वी हैड फेल्ट। देखिए अनुभव की फील होती है और सेकंड फॉर्म जो होती है वो फेल्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी फेल्ट होती है, राइट। मैं दौड़ चुका था, आई हैड रन, मैं दौड़ चुका था, आई हैड रन। मैं पुस्तक पढ़ चुका था, आई हैड रीड बुक, मैं पुस्तक पढ़ चुका था, आई हैड रीड बुक। देखिए पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म भी रीड, सेकंड फॉर्म भी रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है वर्ब वाली, तो आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। चलिए मेरे प्यार साथी और देखते हैं आगे सेंटेंस। शिवम बोल चुका था, शिवम हैड स्पोकन, शिवम बोल चुका था, शिवम हैड स्पोकन। शिवम आपको पढ़ा चुका था, शिवम हैड टॉट यू, शिवम आपको पढ़ा चुका था, शिवम हैड टॉट यू। मैं आपसे कह चुका था, आई हैड सेड यू, मैं आपसे कह चुका था, आई हैड सेड यू। हम आपसे बातें कर चुके थे, वी हैड टॉक्ड यू, हम आपसे बातें कर चुके थे, वी हैड टॉक्ड यू। सुमन खाना बना चुकी थी, सुमन हैड मेक्ड फूड, सुमन खाना बना चुकी थी, सुमन हैड मेक्ड फूड। सविता नाच चुकी, सविता हैड डांस्ड, सविता नाच चुकी थी, सविता हैड डांस्ड। चलिए मेरे प्यार साथी और देखते हैं आगे पास्ट परफेक्ट टेंस बाय शिवम स्टडी सेंटर। गुड लक। सुमित सो चुका था, सुमित हैड स्लेप्ट, सुमित सो चुका था, सुमित हैड स्लेप्ट।
मैं आपको याद कर चुका था, आई हैड मिस्ड यू। मैं आपको याद कर चुका था, आई हैड मिस्ड यू। रवि घर आ चुका था, रवि हैड कम होम। रवि घर आ चुका था, रवि हैड कम होम। बताइए मेरे प्यार साथियों, हम कौन से सेंटेंस पढ़ रहे हैं? सर, हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। मैं पढ़ चुका था, आई हैड रीड। मैं पढ़ चुका था, आई हैड रीड। हम खेल चुके थे, वी हैड प्लेड। हम खेल चुके थे, वी हैड प्लेड। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप सभी जानते हैं आपको हमारे चैनल पर बेसिक से अंग्रेजी सिखाई जा रही है, राइट। तो मेरे प्यार साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के अब वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से अंग्रेजी सिखाई जाएगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, प्लीज़ सपोर्ट मी ऑन द यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी सेंटर। मेरे प्यार साथियों, मिलते हैं कल एक और धमाकेदार मस्त वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।